हेलो स्टूडेंट माय नेम इस मनेस मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी क्लास इलेवेंथ एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा विषय अंग्रेजी सेट बी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसका पी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन पर तो जाकर डाउनलोड करें सेक्शन ए रीडिंग कंपैरिजन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो टेन क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए इन्हीं पैसेज से दिया गया है तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन है और ये पूरा पैसेज है तो वर्क शुड बी आवर वॉच वर्ल्ड हो जाएगा फर्स्ट का आंसर सेकेंड में पूछा गया है आपका वर्क इज वेल्थ एंड सर्विस इज हैप्पीनेस हो जाएगा इसका ऑनेस्ट वर्क इज द डैश लॉ ऑफ प्रोग्रेस इसका आंसर होगा फंडामेंटल इसी में ही सारा आंसर इसमें आपको दिया हुआ है पैसेज में आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे रेड आउट करेंगे सारा सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाएगा वी शुड रूट आवर आइडलनेस ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो ये आपका ट्रू होगा वी शुड रूट आवर आइडलनेस उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ओनली इंडस्ट्राइज एंड फार्मर कंट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ द कंट्री ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा केवल उद्योग और किसान ही कॉन्ट्रीब्यूट करते वेलफेयर ऑफ द कंट्री ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टूडे इज क्या है आपका वॉचिंग फिल्म पार्टी यूजिंग मोबाइल आइडलनेस आइडलनेस ही आपका सबसे बड़ा क्राइम है टुडे इज इंडिया डैश वर्क इज द शेर एंकर टू विच वी सिलिंग प्लेफुल ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट या मोर तो यहां पर ऑनेस्ट ईमानदारी है क्या है एंकर विच वी सिलिंग्स उसके बाद विस्कार द सेल्फिनेस लेजीनेस नैरोनेस ऑफ आउटलुक ऑल ऑफ दिस तो ये सारे आंसर आपको इजिली बन पा रहे हैं तो भी सो डिस्कार्ड आ जाएगा ऑल ऑफ दिस सेल्फिनेस भी होगा लेजिनेस भी होगा नैरोनेस भी होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा उसके बाद आपको डेफिनेटली का सिनोमिन्स बताने सेम मीनिंग क्या होता है एसडली हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसके बाद आपका डिसएपियर का आपका अपोजिट वर्ड पूछा एंटोनिम्स पूछा अपीयर होगा फिर सेकंड क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन ऑफ द पैसेज गिव अ अबल टाइटल यहां पर टाइटल लिखना है टाइटल के साथ साथ आपको यहां पर शॉर्ट समरी ऑन द बेसिस ऑफ योर नोट तो टूरिज्म के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ये टूरिज्म को अच्छे से पढ़िए पूरा पहले अच्छे से रीड आउट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर नोट्स में क्या क्या बनेगा सबसे पहले पॉइंट पर आप लिख लेंगे टूरिज्म इमर्ज एस वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो फर्स्ट पॉइंट पर आपको दिया हुआ है अकाउंट फॉर सिक्स परसेंट यहाँ पर दिया अकाउंट फॉर सिक्स परसेंट ऑफ़ द वर्ल्ड आउटपुट एम्प्लॉयज हंड्रेड मिलियंस पीपल इस तरह से आपका बनेगा नोट मेकिंग टूरिज्म फॉर द ट्रैवल बेस रिक्रिएशन यहाँ पर आपको सिक्स पॉइंट या थ्री या फोर पॉइंट अपने से बना सकते हैं चेंज ऑफ प्लेस एंड ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनी उसके बाद ब्रिंग पीपल ऑफ़ द डिफरेंट नेशन टुगेदर रिविल देंसनिक ब्यूटी एंड पास्ट हेरिटेज बूस्ट नेशनल इनकम जनरेट एम्प्लॉयमेंट्स उसके बाद इसका जो टाइटल बनेगा टूरिज्म एंड इमरज इमर्जिंग लार्जेस्ट इस तरह से आपको लिख लेना इसका सम्रे टूरिज्म इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री टूरिज्म इज द ट्रैवल बेस रिक्रिएशन इट ब्रिंग पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन टूगेदर टूरिज्म रिलीव सेंसिंग ब्यूटी एंड पार्ट ऑफ हेरिटेज एट अ कंट्री इट बूस्ट नेशनल इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ दैट टूरिज़म गिव एम्प्लॉयमेंट टू मैनी प्यूपल बहुत सारे लोगों को ये रोजगार का अवसर प्रदान करती है इस तरह से आपको समरी और नोट मेकिंग बनाना है कोई चीज़ अगर आपको डाउट लगते हो कमेंट पर बता सकते हैं उसके बाद आपका सेक्शन भी आ जाता है राइटिंग सेक्शन यहाँ पर यू आर राम रजनी ड्रॉपट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज नॉट मोर देन फिफ्टी वर्ड टू बी पब्लिश इन इंडिया टाइम्स फॉर द सेल ऑफ यूज मोटर कार गिविंग ऑल द नेसेसरी details. You can be contacted. आपको मोबाइल नंबर दिया गया है तो इसमें आपको एडवरटाइजमेंट ड्रॉप्ट करना है जिसमें आपको मो, मोटर कार को यहाँ पर सेल करना है उसके लिए आपको एडवरटाइजमेंट बनाना है डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर ऑफ द यूज ऑफ ड्रग्स यूज ऑफ ड्रग्स का आपको पोस्टर ड्रॉ करने उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर पर आपको टू क्वेश्चन दिए गए एक आपका फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल होगा यू आर आलोक दुबे अ स्टूडेंट ऑफ सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना एम पी राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ डुप्लीकेट मार्क्सिट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन या तो बच्चों आपको ये करना है यू आर सुमित श्रीवास्तव रिसाइडिंग एलेवन खेरपति कॉलोनी ग्वालियर राइट अ लेटर टू तो योर फ्रेंड हु लिव्स भोपाल इनवाइटिंग हिम टू तो अटेंड योर सिस्टर ब्रदर मैरिज या तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को करना है उसके बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन पर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन बिलो प्रोड्यूस एन आर्टिकल द एन एस एस कैंप के बारे में आपको लिखना है इन सब का भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा बच्चों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल घंटी आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और इसका पी डी एफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा तो किस बेसिस पर आपको लिखना है एन एस एस कैंप एट भार नगर ब्लॉक फिफ्टी वॉल्टियर प्लांटिंग ट्रीज अवेयरनेस टूगैदर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज उसके बारे में बताना है या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट गिवन बिलो राइट एन आर्टिकल द वैल्यू ऑफ गेम्स इन अबाउट फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड पचास से साठ शब्दों पर आपको एक आर्टिकल लिखना वैल्यू ऑफ गेम्स इसमें आपको सब हेडिंग दिया गया है नेसेसरी फॉर लाइफ रिमूव मोनोटोनी मेक्स अवर बॉडी हेल्दी मॉर्निंग गुड्स हैबिट डेवलप सेंस ऑफ इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड्स उसके बाद आस्था डैश एम एस सी फॉर गौर यूनिवर्सिटी इसमें आपका एन आ जाएगा देयर इज नॉट सुगर इन टी तो यहाँ पर आपको सम मैनी या फिर एनी तो यहां पर होगा सम उसके बाद इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा डैश नॉलेज इज वेरी डेंजरस अ लिटिल द कैट जम्प इन द बॉक्स हो जाएगा उसके बाद ही डाइड ऑफ मलेरिया उसके बाद डू एज डायरेक्टेड इन सबका सॉल्यूशंस भी आपको बताऊंगा रवि लिव्स इन मुंबई चेंज आपको पास्ट इनडेफिनेट पर करना है पास्ट सिंपल पर बदलना है तो यहां पर रवि लिव्ड इन मुंबई हो जाएगा इसका आंसर एस सुन एज द सनराइज एज दिस पर नो सुनर देन का प्रयोग करना है अनलेस यू वर्क आर्ड यू विल नॉट पास यहाँ पर ईप लगाना है आपको रिलेटिव क्लॉस आई सॉ ब्यूटिफुल बर्ड रे राइट यूजिंग रिलेटिव क्लॉस ही पास्ड इन हैज़ एग्जामिनेशन अरेंज करना है तो ही हैज़ पास्ड इन एग्जामिनेशन हो जाएगा आपको इसका पेशी वॉइस बनाना है तो माई लाइफ वॉज सेव बाय यू इसका आंसर हो जाएगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो नेक्स्ट वीडियोस पर पूरा सॉल्यूशंस और आगे के पार्ट लेकर आऊँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल घंटे आइकॉन को प्रेस कर दीजिए थैंक यू